चाइना में कैसे फैला डेंजरस कोरोनावायरस, जिसका खतरा इंडिया, अमेरिका और सऊदी अरब तक पहुंच गया है। चीन में फैले कोरोनावायरस, जिसे वुहान वायरस भी कहा जा रहा है, को लेकर अब भारत में भी सतर्कता बढ़ती जाने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली समेत मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची और कोलकाता हवाई अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। चीन और हांगकांग से लौटे यात्रियों की थर्मल जांच की जाएगी। यात्रियों को विमान में चढ़ने से पहले सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म भरना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस संदर्भ में आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में WHO ये तय करेगा कि कोरोना वायरस से फैल रही बीमारी को क्या अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की जरूरत है या नहीं। अमेरिका में भी वायरस के संक्रमण का एक मामला सामने आया है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि ये शख्स चीन के वुहान से अमेरिका आया है। ये नया कोरोना वायरस दिसंबर महीने में सबसे पहले पकड़ में आया था, लेकिन अब ये चीन की सीमा को पार करके दूसरे देशों में भी पहुंच चुका है। दोस्तों, कोरोना अभी तक लोगों ने ये नाम सिर्फ बियर के एक ब्रांड, सॉफ्टवेयर या सूरज के प्लाज्मा के तौर पर सुना था, लेकिन अब कोरोना एक वायरस के तौर पर चर्चा में है। वायरस जो चीन से शुरू होकर दुनिया के कई देशों में फैल रहा है। सरकारें अलर्ट पर हैं, लोगों की जांच हो रही है, जोर शोर से इलाज खोजा जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। पहला पॉइंट, कहां से फैलना शुरू हुआ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के इंसानों में पहुंचने पर अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे लेकर अलग अलग दावे जरूर किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट में दाव किया है कि 2019 के आखिरी महीने में चीन के गुहान शहर से नॉन वेज मार्केट से कोरोना वायरस पैदा हुआ। आकलन के मुताबिक यहाँ बेचे गए जंगली जानवरों के शरीर में यह वायरस था, जो नॉन वेज खाने वालों तक पहुंच गया। वहीं शुरुआती रिसर्च में माना गया कि यह वायरस सांपों के जरिए इंसानों में फैला है। दूसरी ओर से चीन के सरकारी चिकित्सा सलाहकार जॉन नंचान बिच्छू और चूहों के जरिए वायरस फैलने की आशंका जताई है। इसके बाद चीन के वैज्ञानिकों के लेटेस्ट रिसर्च में पाया गया कि यह वायरस चमगादड़ों से सांपों इंसानों में फैला है। चीन की राजधानी बीजिंग में जनरल ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी में पब्लिश हुई वैज्ञानिकों की इस स्टडीज में कहा गया कि कोरोना वायरस सांपों से इंसानों में पहुंचा। बैट सूप यानी चमगादड़ों का सूप आम तो नहीं है, लेकिन वहां में ये पॉपुलर ड्रिंक है। पिछले दिनों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की ओर से कोरोना के संदर्भ में सूचित किया गया था कि यह वायरस जानवरों से जुड़ा है। अब मीट के थूट, बाजार, पोल्ट्री फार्म, सांप, चमगादड़ या फार्म एनिमल के जरिए इंसानों में आया है। रिसर्च में पता चला कि कोरोना वायरस एक पैथोजन है। पैथोजन एक तरह का इन्फेक्शन एजेंट होता है जो बीमारियां प्रोड्यूस करता है। आम भाषा में आप इसे जर्म्स यानी कि कीटाणु के तौर पर भी समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट, चीन के वुहान शहर से फैलना शुरू हुआ यह वायरस अब चीन के पड़ोसी देश सिंगापुर होते हुए वियतनाम तक पहुंच गया है। 24 जनवरी को दोपहर के 12 बजे तक चीन में इस वायरस से मरने वालों की संख्या 25 हो चुकी है और करीब 830 तक लोग इससे पीड़ित बताए जा रहे हैं। इस वायरस से मरने वालों में सबसे ज्यादा उम्र का शख्स 89 साल का था, जबकि सबसे कम उम्र का शख्स 48 साल का है। वहीं भारत से लेकर सऊदी अरब तक इस वायरस को लेकर अलर्ट पर है। थाईलैंड, सिंगापुर, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, इंग्लैंड, अमेरिका और सऊदी अरब में भी कोरोना वायरस से पीड़ितों की पहचान हो रही है। इंग्लैंड के मेडिकल एक्सपर्ट का मानना है कि वहां पर पहले से कोरोना वायरस मौजूद था। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों को डर है कि शनिवार से जब चाइनीज न्यू ईयर की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, तब वायरस और फैल सकता है, क्योंकि तब चीन के लोग छुट्टियां बिताने देश के अंदर और बाहर ट्रैवलिंग पर निकलेंगे। तीसरा पॉइंट, चीन में रहने वाले इंडियंस पर इसका कितना असर हो रहा है। इंडिया के 25 स्टूडेंट्स चीन का वुहान शहर में फंस गए हैं। चीन का यही शहर वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। वायरस फैलने से रोकने के लिए चीन ने वुहान शहर से आवाजाही रोक दी है। वुहान में फंसे 25 स्टूडेंट्स में से 20 केरल के हैं। कोरोना भारत के लिए इसलिए ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि करीब 700 इंडियन स्टूडेंट्स वुहान और इसके आसपास के इलाकों में रहते हैं। इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स चाइनीज यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। चौथा पॉइंट, इंडिया में कोरोना का कितना खतरा है। 24 जनवरी को मुंबई में अधिकारियों ने बताया है कि बीते 60 घंटों में वुहान और चीन के अन्य हिस्सों से लौटे 5 इंडियंस की जांच की जा रही है। इनमें से 2 को सर्दी जुकाम है, इसलिए उन्हें कस्तूरबा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इनमें सर्दी जुकाम के अलावा वायरस के कोई और लक्षण नहीं दिख रहे हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट यानी महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर प्रदीप आवटे के मुताबिक इन दोनों को कोरोना वायरस से मुक्त पाया गया।